चुपचाप आ गए हम। तक गंदा लड़का है ना कल क्लब में, इसने धूम मचा रख दी कृष्णा ने। कृष्णा ब्लॉग शुरू कर रहे हैं फिर। 3, 2, 1 हे गाइस, गाइस आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम लोग खतरनाक चमचमाती टिमटिमाती धूप के साथ। और सुबह 10 बजे क्लास थी, रात को कहते हैं 5-6 बजे हम लोग सोए हैं और क्लबिंग करी है, खूब मजा आ गया। पैसा इतना मतलब पानी की तरह बहा दिया है, माँ बाप का सारा पैसा बर्बाद। गाइस माँ बाप ने जितना पैसा लगाया था मेरे पीछे में सारा उड़ा दिया है। कृष्णा कह रहा मैंने भी 1 साल में तो बचा के रखा था, वो भी सारा उड़ा दिया है। और कृष्णा कल सोच रहा था 1-2 लड़कियों को मतलब इसने दारू दूरू भी पिलाई है। कृष्णा बहुत गंदी बात होती है, तेरे को कितनी बार समझाया शराब नहीं पीते हैं, चल ठीक है ना। गाइस मैंने कोई शराब नहीं पी, मैंने खाली एंट्री के पैसे दिए थे, बस हो गया। क्योंकि क्या होता है ना, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए, क्योंकि तुम्हारा भाई अब बॉडी वॉडी भी बनाएगा, जिम जाएगा, ठीक है ना। काम वाम लग जाए जैसी मिल नहीं रहे ना। और अभी हम लोग जा रहे हैं, आज का हमारा कुछ प्लान ऐसा है कि आज सुबह क्लास थी और आज मंडे है, तो फिर मेरे को कॉलेज लगाना था। कॉलेज निपटाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सेफवे, पहले सेफवे जाएंगे, वहां से हमने लेना है केक, ठीक है। क्योंकि चहल का बर्थडे आ रहा है और चहल भी आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि चहल इतने समय से कहाँ गया हुआ है, सबको पता है इंडिया गया हुआ था वो, तो आज उसकी फ्लाइट है, 2:30 बजे लैंड होने वाला है। तो हम लोग यहाँ से अपना मतलब जैसी भी ट्रेन ट्रून पकड़ के एयरपोर्ट जाएंगे, चहल को वहाँ से लेंगे। तो ऐसे ही मत, अपने बच्चों को मत छोड़ना बीच रोड में, क्योंकि कृष्णा जैसे लोग होते हैं बच्चों को उठा के ले जाते हैं। अरे वो आंटी है सामने खड़ी यार, उनका बच्चा है, चल बच्चे को। गाइस बच्चे को छोड़ के चले गए, कृष्णा कह रहा मैं देख लूंगा, पालेगा क्या साले उसको अब है? खुद को खुद को देर से पाला नहीं जा रहा है, यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। तो गाइस मैं कह रहा था कि हम चहल को लेने जाएंगे एयरपोर्ट, क्योंकि चहल के पास ज़्यादा सामान है। वैसे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम सबका सामान है उसमें। तो हमने कहा कि कोई नहीं, कुछ नहीं मंगाया, हम आएंगे, हम उठाएंगे सामान, बस खाने के लिए जो ला सकते हैं इंडिया से ले आ भाई। मिठाई विठाई आ रही है गाइस, तो हम लोग मिठाई विठाई खाएंगे बढ़िया करके। और बर्थडे की बात रही तो चहल का बर्थडे हो चुका है। चहल का जब बर्थडे शुरू हुआ वो आसमान में था, तो वो कह रहा ना मैं इंडिया वालों को पार्टी दूंगा ना कनाडा वालों को पार्टी दूंगा। हम तो केक लेके जा रहे हैं, पार्टी होगी आज। और हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आज हम केक वेक कटिंग करने के बाद सीधा उसको उठा के लेके चल दिए कहीं, कहते रेस्टोरेंट वगैरह। और अलार्म बज गया था, मैंने अलार्म लगा रखा था कि चहल 15 मिनट में लैंड होने वाला है, फिर उसके बाद एयरपोर्ट में थोड़ा टाइम लगता है बाहर निकलने में ना, तो इसलिए हम लोग थोड़ा लेट निकलेंगे यहाँ से। जब तक चहल बाहर आएगा तब तक हम भी पहुँच जाएंगे। हम पहले जा रहे हैं कृष्णा का कंपास कार्ड लेने के लिए, जो कि कृष्णा ने खो दिया है रस्ते में, कहीं फेंक दिया है, लापरवाह आदमी है, समझ ले। तेरे से कार्ड नहीं संभाला जा रहा भयंकर, तेरे से लड़की का संभाली जाएगी कृष्णा, बता। कैब पे चलते हैं, ठीक है ना। तो कैब के पैसे दे दे, चलते हैं कैब में। कहीं हम चहल को लेने कैब में जा रहे हैं, क्योंकि कृष्णा कहते हैं हमारा कैब का पैसा दे रहा है। डन हो गया, चलो गाइस बढ़िया हो गया, सेट हो गया मामला। और आर्यन भी आ रहा है हमारे साथ, लेकिन उसको टट्टी करने में बहुत टाइम लगता है, तो 1 घंटे से बाथरूम में बैठा हुआ है। हमने कहा तब तक हम केक वगैरह ले आते हैं, और वैसे ही उसका पेट खराब है, पता नहीं 3 दिन पुरानी सब्जी खाता है, 5 दिन बाद हकता है, और इतनी गंद पा रखा है, इतनी बदबू मार रहा है, दिमाग खराब सड़ा रखा है उसने। कृष्णा को पता नहीं है, क्योंकि कृष्णा हमारे रूम में नहीं रहता ना, मैं अकेला हो रहा हूँ आजकल रूम में। गाइस कृष्णा का मन करता है मेरे साथ सोने का कभी, लेकिन कृष्णा को डर भी लग जाती है। नहीं, तो गाइस हम लोग आ गए ड्रग्स लेने, ड्रग्स लेने आ गए हम। लंदन के सारे ड्रग्स खाली कर देना, चल बाबे कुत्ता। अबे रज्जी है क्या गाड़ी के अंदर? यू ना हैव सम बर्गर, हियर वी गो। किसी के बर्गर रखे हैं यहाँ पे, खाएगा? सही लग रहे हैं ना? अब देख, अब 2 दिन बाद थोड़ा और ठीक हो जाएगा, अब उतना चिकना नहीं रहेगा शक्ल पे, पहले दिन बहुत गंदी लगती है। गाइस फटाफट निपटते हैं यहाँ से, यार टाइम होने लग गया है। अबे लैपटॉप के बैग यहाँ पे थे यार, मैं पूरा मार्केट घुमाया दुनिया भर की। गाइस मैं लैपटॉप के बैग खरीदने के लिए इतना परेशान हो रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ चले आया, यहाँ पे लैपटॉप के बैग रखे हुए इतने बढ़िया बढ़िया। बट अब तो मैंने ले लिया है, ये देखो अब तो मैंने ले लिया है, बट अब दोबारा थोड़ा लूँगा। कंपास कार्ड ले लिया है। एक्चुअली होता क्या है कि आपका कंपास कार्ड खो जाता है ना, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसके पीछे एक नंबर होता है, वो बताओ आपका पुराना वाला बैलेंस याले कार्ड में शिफ्ट कर देंगे, इसकी $6 वैल्यू होती है। तो कंपास कार्ड वगैरह का ये सीन रहता है, पहले भी मैंने बताया था, बट उस समय हमारे पास लाइक रजिस्टर नहीं था और मैंने फ़ोटो नहीं खींची थी उसकी। बट इस बार अगर गलती से खो भी जाए तो सब रखा हुआ है, जैसे कृष्णा का खो गया तो
ये सब चीजें हैं ध्यान में रखनी पड़ती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि यार मंथली पास महंगा होता है ना, तो आप समझ सकते हो गरीबी, और ये गरीबी से बुरा हाल। अब जा रहे हैं केक लेने चहल के लिए, चलो फटाफट केक लेते हैं और पार्टी करते हैं। पार्टी कई रात मौसम अच्छा हो रहा है, तुम्हारा भाई भी चमक रहा है धूप में बढ़िया है ना, बस ये नाक में लाल लाल दाना हो गया है, चेरी ब्लॉसम। चहल के केक के ऊपर भी ऐसी एक लाल लाल चेरी लगी होगी, वही वाला केक लेंगे मस्त, क्योंकि कृष्णा चॉकलेट वाला केक नहीं खाता है, और लास्ट दो बर्थडे से हम लोग चॉकलेट वाला केक लेकर आ रहे हैं। केक की फोटो में दिखाता नहीं हूँ क्योंकि वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बट हाँ इस बार दिखा देंगे क्योंकि इस बार फ्री है सारे अच्छे से। ओके चहल का मैसेज आ चुका है, चहल कह रहा लैंड हो गया है, तो हम लोग निकलते हैं। टेन गाइस चहल का केक चेक करो, रुक जाओ बैक कैमरे से दिखाता हूँ, मस्त एकदम बढ़िया सा केक आ चुका है चहल का। एक चहल ने हमें गाली बक दिया गाइस, गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियाँ आ रही है, चल आराम से रोड क्रॉस कर, पिचक जाएगा, चल चल चल, सब रुक गए हमारे लिए, कोई नहीं आ रही। वहाँ से चहल का मैसेज आ रहा है, कह रहा मैं इमिग्रेशन पे हूँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें यहाँ से जाने में एक घंटा लगेगा। गाइस मैंने चहल को बोल दिया हम निकल चुके हैं, लेकिन अभी तो हम केक भी लेके नहीं आए हैं, दो घंटे लगेंगे तो घर नहीं पहुँचाऊँ मैं। अबे यार तू दिमाग मत खराब कर, साथ में चल बोल रहा हूँ, जब दो घंटे लगेंगे ये रकम इसका टैप करूंगा। अरे तू साथ में अंदर जाएगा बोल रहा हूँ, जब क्यों परेशान करता है, पुलिस होती है पब्लिक। ये कृष्णा इतना परेशान करता है ना गाइस, देखो अपने काम के लिए साथ लेके जाता है और साथ में वैसे नहीं चलने को तैयार होता है इसको। अगर अभी इसको फ्री का खाना मिल रहा होता ना, ये यहाँ से इंडिया चले जाए फ्री का खाना खाने के लिए, ऐसा है। ये देखो रेडी है आने के लिए, लेकिन $2000 की टिकट, तभी कह रहा हूँ ना, तभी कह रहा हूँ फ्री का खाना खाने के लिए कहीं भी जा सकता है। दलिद्दर है साले तू, तब मारूंगा चाटा तेरे। गाइस चहल की फ्लाइट आ चुकी है, वो जा रही है हॉम में, जा रहे हम चहल को लेने फटाफट। चहल गाली बकरा है मेरे को, कह रहा कुछ खाने का लेकर आई हो, अब क्या लेके जाऊँ उसको, क्या पता उसको क्या पता हमारे हाल बेहाल है, यहाँ भूखे नंगे हो रखे, हमने खुद कुछ नहीं खाया है। जल्दी चल कृष्णा, जूता पहने का तैयार होगा पूरा, लड़की बात साला, चल चल चल, हर जगह लड़की 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 करता है। सही बात है, ये देखो इसने मुंह भी नहीं धोया साला, एक घंटे टट्टी कर रहा है। आकाश आकाश को बुला लिया, कहाँ टाइम है मुंह धोने का, वो उसको लग रहा है कि हम रस्ते में और अभी हम घर से निकले और वो लैंड हो चुका है। बता दिया तूने, चलो चलो गाइस लेट हो गया, चहल वहां से कह रहा है कि जल्दी आओ जल्दी आओ। जॉन्टी की अपनी चप्पलें दिखा, चप्पलों में आ गए तो गाइस मैं कुछ पहना भी नहीं, देखो एयरपोर्ट ऐसे ही जा रहा हूं, कुछ भी नहीं पहना है बात कुछ ऐसी है कि आज धूप मौसम अच्छा है, अच्छा मौसम है भाई। गाइस बात कुछ ऐसी है कि चहल ने वहां से मैसेज करके बोला कि जल्दी आओ और कुछ खाने का लेकर आना, मैंने उसको दोबारा मैसेज कर दिया कि तू एक काम कर हमारे लिए खाने का रखना, हमारा हाल और बुरा है। आकाश देख ले ये बहुत हल्के हल्के आ रहा है सारा, जानबूझ के हल्के हल्के आ रहा है, लेट होगा तो इसकी वजह से होगा, गाने सुनते हुए बता रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आराम कह रहा, आराम से चलो आराम से चलो, इतना हल्के हल्के लड़कियों की तरह चल रहा है, पता नहीं जनानी साला चबड़ गंजू परेशान कर रखा है इनने मेरे को, मैं मारूंगा इसको बहुत। अब गाइस आ गया हम स्टेशन पे, बस पकड़ रहे हैं, चहल एयरपोर्ट से बाहर आ चुका है और हम लोग अभी तक निकले नहीं है, अभी हमने बस नहीं लिया है। कृष्णा अभी भी तैयारी होने में, एक काम का मेकअप कर ले फिर से जाके, चांटा मारूंगा तेरे। गाइस बस आ चुकी है और हम बस से आ गए हैं, हम बस से आ गए हैं, ये आई बस और ये रहे हम, एग्जैक्ट टाइमिंग देख रहे हो। और गाइस सामने बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी है, मैं नहीं दिखाऊंगा, लोगों को सीट मिल जाती है तो हम लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं। कृष्णा तेरे होटो में हल्दी क्यों लगी है साले, खाना करने खाने के बाद कुल्ला तो कर लिया कर, मुझे पा रहा था भी लगी हुई है मतलब। गाइस अभी हमने बस से उतरे हैं और चहल को बोल दिया है कि हम एक घंटा पहले ट्रेन में बैठ गए थे, अब यहाँ से ट्रेन लेंगे उसके बाद जाएंगे। जब चहल यहाँ व्लॉग देखेगा ना बहुत गाली बकने वाला है, लेकिन चहल एक बात बता दूँ, ये सब कृष्णा की हरकतों की वजह से हो रहा है, देख अभी भी हल्के हल्के चल रहा है, इसको गाने भी सुन रहे हैं घर से ऐसे आ रहा है, फिर इसका जूता भी, इसको ध्यान रखना है तो जूता ना फट जाए तेज चलने में, हर चीज में लड़कीबाजी करता रहता है बस, हो गया और कुछ नहीं आता इसको। लड़कीबाजी करते हैं, अरे मतलब लड़कियों की वाली हरकतें करता है लड़की बाजी, मतलब जनानी तो है, जनानी है, जनानी ए जनानी, ए जनी तू जनानी। चलो गाइस ट्रेन आ गई है, तो ट्रेन के पास आ चुके हैं और एयरपोर्ट वाली ट्रेन आ गई है, खाली एयरपोर्ट जाती है, एकदम करेक्ट टाइम पे पहुंचे हैं, ट्रेन आ चुकी है, एयरपोर्ट वाली ट्रेन है, सीधा हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो बढ़िया ट्रेन है ना, चल भाई बैठ जा, शक्ल है तेरी, इनको एयरपोर्ट से चल ज्ञान में थे, अंदर जा चल, अंदर चल। यहाँ पे बहुत जरूरी बात चली है, स्नैपचैट में स्ट्रीक बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, कृष्णा क्या जवाब कहता है, कृष्णा कहता है नहीं कर दिया मैंने, नहीं बनानी चाहिए ब्रो, कह रहा गाड़ी स्नैप पे वेस्ट रहते हैं लोग, मतलब यूं ही चलाते रहते हैं। अरे यार स्नैप का कोई क्या काम है, मैंने कैसे नहीं बनती स्नैप स्ट्रीक, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम लगता है। अरे कोई डंकी चीज बनाओ ना स्ट्रीक की, बनानी बंदी बनाओ, किसी की जिंदगी के साथ खेलो यार, देख रहा खुशी
गेमर क्यों बनना है, गेम नहीं खेलना है कृष्णा, किसी की जिंदगी के साथ खेल तो मजा है। कृष्णा का मुंह देख ले एक बार, कृष्णा एक बार अपने होंठ दिखा, मसाला क्यों लगाते होंठ में, हल्दी लगा के आया होंठों में, जनानी है, जनानी है मेरी, मेरे गंदा छुपा रहा है, टकला हो रहा है, पीछे से टपली मारने मजा आता है इसको। तो कृष्णा कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, बिल्ली आंखें, कृष्णा कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, चल बता ना प्यार के बारे में, बता तेरा क्या कहना है, तेरे को एक लड़की में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए भाई, बस कर क्या रहा लड़की हम सुंदर जगह आ चुके हैं, बाहर का व्यू तो दिखा, हमारे चकले क्या दिखा रहा है, हमारे उससे सुंदर कोई है दुनिया में, बता रहा है, पूछ रहा है, तेरी बात ही कोई नहीं रही है, व्यू चेक करो, मस्त अभी तक तो मेरे गाइस पता है कैसा लड़का है, ये बताऊं कैसा है, अभी कह रहा है कि हल्के हल्के बोलो, ये मत करो वो मत करो, मतलब लड़कियां नहीं करती जैसे, वैसा लड़का है, देखो ये साला भाई तमीज से बोलो, क्या टट्टियां लग रही है, बुढ़ी जा रहे जबरदस्ती की मेरे पास फोन है, देखो ये होता नहीं है बचपन में गरीब बच्चे करते हैं, ये देखो स्टाइल मारने के लिए फोन निकाल दिया उसने। गाइस यहाँ पे आने का मेन मोटिव ये था कि ब्लॉग बन जाए, और दूसरा ये है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, और चहल ने बोला था आधे रास्ते से वापस हो जाओ, बट मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, और इन लोगों के पास गरीबों के पास आईफोन नहीं है, तो मेरे को ब्लॉग बनाऊंगा मैं उन्हीं के फोन से, गरीब साले $2000 बता, बिल भी दिखा दे, डाल दूंगा मैं इसमें, तो चप्पल पहन के आया हूँ मैं, एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम अपनी बंदी से? मैं अपने घर वालों से कहना चाहता हूँ, अभी तो कहता अपनी गर्लफ्रेंड को कहना चाहता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे एयरपोर्ट आके इतना मन कर रहा है ना लिटरली वापस जाने का, बट मैंने कसम से कसम खाई हुई है कि मैं जब यहाँ आऊँगा ना नेक्स्ट टाइम, तो मैं यहाँ से इंडिया जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा, एक ही बार जाऊँगा बस दोबारा। अब हम चहल को ढूंढते, पता नहीं, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। मैं 5 महीने पहले आया था इस एयरपोर्ट में, इंडिया से जब आया था, अभी मेरा मन कर रहा था वापस जाने का, मैं सोचा टिकट टिकट ले लेते हैं, बट पासपोर्ट घर पर भूल गया हूँ मैं, अभी बैंक में पैसे भी नहीं है, गाइस सही बताऊं तो मेरे अकाउंट में अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक टिकट खरीद सकूं इंडिया की, नहीं ब्रो मैं इंडिया की जाने जाने की तो खरीद सकता हूं, इतना तो है, गाइस मैं आ रहा हूं ठीक है ना, वहीं से मिलता हूं, इंडिया में मिलता हूं, आ जाओ एयरपोर्ट पे, आ जाओ सारे मेरे से मिलने के लिए, मेरे फैंस जितने भी हैं। तो गाइस चहल आ चुका है, वो चहल तो स्मार्ट लग रहा है, चहल में लेकर चलो फिर चहल आ चुका है, चहल हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि आज पहले तेरे से बात कर लेते हैं ठीक है, प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि देख तेरे लिए हमने सरप्राइज रखा है घर में प्लान करके, ठीक है तेरा बर्थडे है ना, तो गाइस सबसे पहले तो चहल को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, सब बोलो हैप्पी बर्थडे, कल था हैप्पी बर्थडे, बहुत चालू आदमी है, इसने कहा कि मेरा बर्थडे ना इंडिया में सेलिब्रेट होगा ना कनाडा में होगा, हवा में था उस समय, तो कहता मैं अर्थ में ही नहीं था तो मेरा बर्थडे कैंसिल, बट ऐसा नहीं है, हम तुझे पार्टी, हम तेरे को सरप्राइज देंगे घर जाते ही, हमारे यहाँ रिवाज है, उसके बाद हमारे घर में प्याज टमाटर सारी चीजें खत्म हो चुकी है, तो आज हमारा पूरा प्लान है कि हम बाहर जाके खाना खाएंगे ठीक है ना, तो रेडी रहे खर्चा करने के लिए, चलो गाइस कितने घर चल के देख, गाइस चहल टैटू बनवा के आया है, वो आपको मैं घर जाके इसके कपड़े खुलवा कपड़े खुलवा के दिखाऊंगा, नंगा कर दे सुबह, NRI आ चुके हैं यहाँ, अंग्रेज आ चुके हैं, चलो फ्लाइट टिकट करवा ली, ट्रैकिंग पर जा रहा हूँ, टिकट करवा ली है, अरे तो वीडियो तो बना लो एक दिन, कृष्णा तेरे दोनों हाथ खाली तो शर्म नहीं आती क्या? क्यों आएगी मेरे को? मतलब वीडियो भी नहीं बनाते मेरे दोस्त, फिर कहते हैं लोग लोग आप लोग कहते हैं ना वीडियो भी नहीं आती है, मेरे दोस्त वीडियो नहीं बनाते हैं, देखो गाइस हम लोग जा रहे हैं इंडिया, मैं पासपोर्ट भूल गया था बट हो जाएगा कैसे कैसे जुगाड़, यहाँ पे अपना नाम चलता है कनाडा में ठीक है ना, आई जॉन्टी मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो लोग यूट्यूबर को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, सब लोग गाइस टिकट दे देखो, टिकट करवा लिया है, हमारा मान ले लिया है, तो दिल्ली में एयरपोर्ट के आगे सब लोग आ जाना, मीटअप रखा हुआ है मैंने यार, तो देखते हैं कितने लोग आते हैं, कृष्णा ने बोर्डिंग ये तो देखो टिकट विकेट आ चुके हैं हमारे, आप लोग मजाक समझ रहे थे, और चलो भाई कनाडा बाय।
हमने यहाँ से टिकट ले लिया फ्री वाला और हम आर्यन को चढ़ाएंगे। अब आर्यन के पास नहीं है, बाकी हम तीनों के पास है, हम तीनों ने ले लिया है। हमारे पास तो ये है, वो देख सबके पास है, तेरे पास तो है भी नहीं। चल साले, लो इतना बुरा हाल हो चुका है यहाँ पे सबका, एक टाइम में चारों निकले फ्री में। वो भी ऑरेंज वाले बस आ गई थी तो हमें भागना पड़ गया, बहुत तेज भाग के आए हमेशा के ऐसे होता है क्योंकि फिर दूसरी बस बहुत लेट आती है ना। मैं कुछ वहाँ पे एक फनी बात बताता हूँ कि हम एक टाइम में चारों आ गए थे, जबकि सबके पास मंथली कार्ड है, मंथली रिचार्ज है, उसके बाद भी ऐसी हरकत है सबकी। अभी तो किसने नहीं किया, अभी भी किसी ने टाइम नहीं किया, फ्री में बैठे हुए हैं बस में, मजा आ गया, बहुत थक गए। तो गाइस फाइनली हमने सारा सामान तहस महस कर दिया और मेरी फेवरेट टोपी गजराज आ चुकी है, जो कि मैंने मंगाई थी, जिसकी मेरे को टेंशन हो रही थी सबसे ज्यादा, मैंने टोपी मंगाई थी क्योंकि बाकी यहाँ अभी सामान दिखाऊं कितना फैला दिया है। हेलो गाइस, ये देखो इसके फर्स्ट कॉपी के जूते आ चुके हैं, इसका तू अपना काम सामान दिखा, सबसे मेन चीज गाइस कृष्णा का क्या आया बताऊं, हां पापड़ हां पापड़ हमारा, इसने ये मंगाया बस, ये देखो अपने से खाने से मतलब, खट्टा खाने का, इसको खट्टा खाने का मन कर रहा था ना। और चेयर बताऊं क्या क्या लाया, मैं फटाफट दिखा रहा हूं और व्लॉग को खत्म कर रहा हूं क्योंकि हम नया व्लॉग शुरू करने वाले हैं, योगा पार्टी वाला, और आर्यन ने पास दिया, फैला दिया साले गंदा साला, क्या कर सकते हो मैं, पाता रहता है दिन भर साला। देखो ये भी हो सकता है ये हम पर पापा, तूने तो नहीं छोड़ी है गाइस, देखो सामान सारा फैल चुका है यहाँ पे, ये देखो बहुत सड़ी हुई आ रही है ब्रो, ये देखो ये हो सकता है, इन दोनों में से एक लग रहा है, एक्टिंग देखो, एक्टिंग कम कर साले, ब्लॉग बन चुका है पसोड़ा साला। अब स्टिकर दिखा जल्दी फटाफट गाइस, तो सारा सामान आ चुका है और ये मेरे कपड़े हैं जिसमें मैंने एक दो दो स्वेटर ये हो गई, एक स्वेटर ये हो गई और ये दो इनर हो गए, ये सब मंगाया था। और मेन चीज जो थी वो थी गजराज, गजराज आ चुकी है, ये लोग कह रहे लड़की वाली टोपी है बट कमेंट करके बताना अच्छी लग रही है तुम्हारे भाई पे। और मेरे भी तीन तीन चश्मे आ चुके हैं, ये देखो तीन तीन चश्मे, फाइनली मैं देख पाऊंगा, इंडिया सामान आता खुशी होती है। और ये सारा पोस्टर लेकर आया कार्टून देखने वाला लड़का, वांटेड देखो सब लोग वांटेड है, ठीक है ना। और सबसे मेन चीज गाइस मैगी मसाला के पैकेट आ चुके हैं, एक मैगी मसाला के पैकेट है, एक मैगी मसाला के पैकेट है, अब ये तब तक चल जाएंगे, अब ये तब तक चल जाएंगे जब तक कोई अगला इंडिया जाके वापस आएगा ना, तब तक चल जाएंगे। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, आर्यन और मैं, बाकी ये दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं पोस्टर लगाने में बिजी हैं, तो आज का व्लॉग खत्म करते हैं और नया व्लॉग शुरू करेंगे पार्टी वाला, तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है गाइस आपसे मिलते हैं बहुत जल्द पार्टी व्लॉग के साथ। अब चहल का बर्थडे, बाय गाइस।